एक बार एक आदमी ने सत्संग में सुना कि जो इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। ये सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सत्संग करने वाले गुरुजी से पूछा, गुरुजी अगर कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा तो सत्संग करने का क्या फायदा? तो संत जी ने एक ईंट की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस ईंट को छत पर लेकर जाओ और मेरे सर पर मार दो। ये व्यक्ति बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, संत जी आप कैसी बात कर रहे हो, इससे तो आपको चोट लगेगी और आपको दर्द भी होगा। तभी उन्होंने ईंट के बराबर एक रुई की पोटली बनाई और उस व्यक्ति को हाथ में देते हुए कहा, अब इसे ले जाकर ऊपर से जाकर मेरे सर पर फेंको, क्या मुझे चोट लगेगी? लड़का बोला, नहीं। तभी उन्होंने समझाया, इसी तरह सत्संग करने से, नाम जपने से इंसान को अपने कर्मों का बोझ हल्का लगने लगता है और वे हर तकलीफ को परमात्मा की रजा समझकर बिना शिकायत किए सह लेता है। यही फायदा होता है सत्संग करने का। सत्संग करने के बाद आपको तकलीफ अपनी बड़ी नहीं लगती। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।